खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। अफसरों के बड़े पैमाने पर तबादले करना गलत, चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह। कांग्रेस विधायक ने अपनी ही सरकार को घेरा। गुना चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह ने राज्य की कमलनाथ सरकार द्वारा किए जा रहे अफसरों के थोकबंद तबादलों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि तबादले एक प्रक्रिया के तहत हो तो ठीक है, लेकिन ज्यादा तबादलों को उचित नहीं ठहराया जा सकता। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने ये भी कहा कि अभी भी बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जिस पर नियंत्रण करना सरकार की जिम्मेदारी है। खुद की गलती से हारे सिंधिया राघोगढ़ में पत्रकारों से चर्चा करते हुए विधायक लक्ष्मण सिंह ने कहा कि कोई भी उम्मीदवार अपनी गलती से हारता है और गुना सीट से कांग्रेस उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अपनी गलती से चुनाव हारे हैं। मुख्यमंत्री बदले जाने के सवाल पर लक्ष्मण सिंह ने कहा कि इस बात को सभी अच्छी तरह से समझ लें कि प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं बदला जाएगा। कंप्यूटर बाबा से रहता हूं दूर। कंप्यूटर बाबा द्वारा राज्य सरकार से हेलीकॉप्टर की मांग को विधायक लक्ष्मण सिंह ने हास्यास्पद बताया है। उन्होंने कहा कि वे कंप्यूटर बाबा से दूर रहते हैं, लेकिन राज्य सरकार पर बढ़ते कर्ज के मद्देनजर उनकी इस मांग को एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं समझना चाहिए। ईवीएम को दोष देना बेकार। लक्ष्मण सिंह ने लोकसभा चुनाव में पार्टी को मिली हार पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस मामले में ईवीएम को दोष देना बेकार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की प्रचार नीति बीजेपी के मुकाबले बेहद कमजोर थी। बकौल लक्ष्मण सिंह, बीजेपी ने सर्जिकल स्ट्राइक का पूरी तरह फायदा उठाया, जबकि कांग्रेस के प्रचार का तरीका लोगों को टच नहीं कर सका। राघोगढ़ नगर पालिका में समीक्षा बैठक के उपरांत पत्रकारों से रूबरू हुए थे चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह। श्री राम। लेकिन इस नारे को विरोध क्यों? राष्ट्र विरोध नहीं है, उसको सुधारो। वो ये कह रहे हैं श्री राम। इतनी सी बात बोलते काहे को नहीं, सिया राम सीता काहे भूल जाती, महिला विरोधी पार्टी। जी आखिरी प्रश्न, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो काफी बड़े 17 सालों से सांसद थे, ऐसी आखिर क्या गलतियां रही कि वो चुनाव हार गए, बड़े मार्जिन चुनाव हार गए? अब ये तो उनसे अच्छा कोई नहीं बता सकता स्वयं से कि भाई क्या कारण रहे, क्योंकि उम्मीदवार थे। लेकिन हाँ, मैं भी हारा हूँ चुनाव। जब मैं चुनाव हारा तो मैंने बैठ के समीक्षा खुद की करी, दूसरों की करूँ इससे अच्छा मैं खुद की करूँ, दूसरों को दोष दूँ कि तुमने मुझे हरा दिया? अरे भाई कुछ मुझ में भी कमी है। तो मैंने अपनी समीक्षा खुद करी थी और मैंने समीक्षा करी, सुधारा, अगला चुनाव जीत गया। तो वो भी समीक्षा खुद की भी करें और फिर लड़े, अगला चुनाव जीत जाए। स्थानीय जो देखी जाती है गुटबाजी, सिंधिया कार्यालय में सिंधिया जाके बैठते हैं, कहते हैं जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय हुई है, क्योंकि कांग्रेस कमेटी कार्यालय राजा साहब ने दिया था जमीन, वहाँ पे आप बनाया गया, ऐसे में गुटबाजी सामने नहीं आ रही? नहीं, जैसे जो कार्यालय जो है वही कांग्रेस का कार्यालय है, अपना निजी कार्यालय। जैसे वो वहाँ के सांसद रहे हैं तो वो अलग संसदीय कार्यालय अलग खोल सकते हैं, पार्टी का कार्यालय तो पार्टी का कार्यालय, उसमें बदलाव नहीं है। खबर समय जगत के लिए गुना से ब्यूरो चीफ सुनील शर्मा की रिपोर्ट। इस प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।